इनामे मोहब्बत एक ऐसी सच्ची लव स्टोरी है जिसमें मुस्कान को नौशाद नाम के अपाहिज लड़के से प्यार हो जाता है। नौशाद भी मुस्कान को बहुत चाहता है। नौशाद के पैर का ऑपरेशन होने वाला रहता है और दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले रहते हैं। नौशाद के पैर का ऑपरेशन ठीक से हो और वो चलने लगे, इसलिए मुस्कान रो रो कर दुआएं मांगती है। क्या नौशाद अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? क्या मुस्कान और नौशाद की शादी हो सकेगी? ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। जुलाई का महीना था, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। मुस्कान अपनी दोनों बहनों काजल और मुमताज के साथ बारिश में छत पर नहा रही थी। साथ ही वह अपने डिग्री कॉलेज से बी कम पास करने की खुशी भी मना रही थी और गाना गा रही थी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, सिर के बल या फिर कदमों से चलूं। इतने में काजल मुस्कान के हंसी उड़ाते हुए कहती है, इतना क्यों खुश हो रही हो आपा? ऐसा लग रहा है भारत की अगली प्राइम मिनिस्टर तुम ही बनने वाली हो। इस पर मुस्कान कहती है, भारत की प्राइम मिनिस्टर नहीं, मुझे तो सिंगर बनना है, मुझे इंडियन आइडल में जाना है। काजल कहती है, तुम यहाँ इंडियन आइडल बनने की बात कर रही, अंदर मम्मी तुम्हारी शादी की बात कर रही है बुआ से। इतना कहकर वह हंसने लगती है। तो मुमताज इतने में काजल से कहती है, देखो आपा, तुम मुस्कान आपा को ना परेशान करो, उन्हें इंडियन आइडल बनना है तो वह शादी के बाद भी बन सकती है। वैसे भी माँ बाप जो फैसला लेते हैं उसमें बच्चों की खुशी ही रहती है। मुमताज मुस्कान से कहती है, देखो आपा, तुम परेशान ना हो, जैसे खुश रहती हो वैसे ही रहो, और तुम काजल आपा की बातों में बिल्कुल ना आना, उनकी तो आदत है छोटी सी बात को बड़ा करना। इतना कहकर मुमताज छत से कमरे में चली जाती है। मुमताज भले ही मुस्कान और काजल से छोटी रहती है, लेकिन वह दोनों से कई गुना समझदार रहती है। मुमताज के जाने के बाद मुस्कान फिर मजे से बारिश में नहाने लगती है। इतने में काजल मुस्कान के पास जाती है और कहती है, आपा अब तुम अपना बचपना छोड़ दो, यह बारिश में नहाना, बच्चों के साथ खेलना, सहेलियों के साथ हंसी मजाक, यह सारी चीज़ों बस कुछ टाइम की है, तुम्हारी असली ज़िंदगी तो शादी के बाद शुरू होगी। क्या तुमने कभी अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचा है? काजल की बातों से मुस्कान थोड़ा चौंकसी जाती है और पूछती है, मतलब तुम क्या कह रही हो काजल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ कहो जो भी कहना है। काजल कहती है, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, बुआ अब मम्मी से तुम्हारी शादी नौशाद भाई से करने के लिए अम्मी को समझा रही है। वह कह रही है कि मुस्कान का रंग भी कम है, हाइट भी ज़्यादा नहीं है, जितनी जल्दी हो उसकी शादी करके हटाओ। वह चाहती है कि तुम्हारी शादी नौशाद भाई से हो जाए। उनका कहना है कि नौशाद एक पैर से अपाहिज है, इसलिए उसके अब्बू यानी मामू शादी के लिए मान जाएंगे। नौशाद मुस्कान के मामू का बेटा है जो कि एक पैर से अपाहिज है। वह इलाहाबाद के एक गांव में अपने परिवार के साथ रहता है और मुस्कान दिल्ली शहर की रहने वाली लड़की है। उसकी शादी गांव में होगी उसने कभी सोचा भी ना था।
मुस्कान काजल से पूछती है, तुम यह क्या कह रही हो काजल? क्या मम्मी इस बात के लिए मान गई? काजल कहती है, अभी तो नहीं, लेकिन जिस तरह से बुआ मम्मी के पीछे पड़ी है, वह उन्हें जरूर मना लेगी। मेरी मानो तो तुम मम्मी से साफ साफ मना कर देना शादी के लिए, और अपनी शादी के लिए खुद एक लड़का पसंद करो। खुद की पसंद की शादी ज्यादा सही रहती है। इतना कहकर काजल अंदर चली जाती है और बारिश अब रुक जाती है, लेकिन मुस्कान अभी भी वही छत पर खड़ी काजल की कही हुई बातें के बारे में गहराई से सोचती रहती है। मुस्कान दिल की अच्छी लड़की रहती है और बहुत ज्यादा सीधी भी। छोटी छोटी बातों को वह दिल से लगा लेती है और किसी भी बात को गहराई से सोचने लगती है। इतने में अंदर कमरे से मम्मी की आवाज आती है, मुस्कान बारिश रुक गई है, आकर कपड़े बदल लो वरना सर्दी हो जाएगी। मुस्कान अपने ख्यालों से जागती है और ऊपर देखती है और फिर अंदर रूम में चली जाती है और कपड़े चेंज कर लेती है। आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 देखें।